दोस्तों, क्या आप लोग फेसबुक यूजर हैं? फेसबुक पर आप लोग अपने मोबाइल नंबर को डिलीट करना चाहते हैं या ईमेल आईडी को डिलीट करना चाहते हैं? डिलीट नहीं हो रहा, वहां पे एक एरर आ रहा, आप लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और आप लोग फेसबुक पर अपने मोबाइल नंबर को कैसे डिलीट कर सकते हैं वो बता देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फेसबुक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ओपन कर लेना है। जैसे मेरा फेसबुक पहले से लॉगिन है तो यहाँ फेसबुक, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ फेसबुक ओपन हो गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ देखें 3 लाइन यहाँ पे क्लिक करना होगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन शो करेगा। तो हमें यहाँ सेटिंग्स यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन शो करें। तो यहाँ पर्सनल डिटेल्स हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा, जैसे यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन शो करें। जैसे यहाँ फेसबुक से हमें अपने मोबाइल नंबर को डिलीट करना है, कोई भी रीजन हो सकता है आप लोग डिलीट करना चाहते हैं, आपका देखिए एक नंबर है, एक से अधिक नंबर आप लोग डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन शो करें। तो यहाँ पर्सनल डिटेल्स हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा, जैसे यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर शो करा, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटी कन्फर्मेशन, काफ़ी सारे ऑप्शन शो करें। तो हमें यहाँ कॉन्टैक्ट इन्फो यहाँ पे क्लिक करना होगा, जैसे यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे मोबाइल नंबर शो करा, ईमेल आईडी शो करी है, दूसरे से हमें इसी देखे नंबर को डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गए, जैसे इस नंबर को हमें डिलीट करना है तो यहाँ डिलीट नंबर यहाँ पे क्लिक करना है तो ये ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ डिलीट वाले पे क्लिक करना है तो यहाँ पे पासवर्ड इंटर करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हमें अपना पासवर्ड इंटर करना है, फिर यहाँ कंटिन्यू यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे देखें पासवर्ड इंटर करके डिलीट वाले पे क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गए, यू कैन नॉट मेक दिस चेंज एट द मोमेंट। दोस्तों, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग फेसबुक पर मोबाइल नंबर को डिलीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आज मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके को आपको फॉलो कर लेना है तो आप में जो प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व हो जाएगी, फिर आप लोग देखिए फेसबुक पर नंबर को डिलीट कर पाएंगे। जैसे आप लोग दोबारा फिर फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपको 3 लाइन यहाँ पे क्लिक करना है, आपको नीचे आना है और यहाँ हेल्प एंड सपोर्ट ये ऑप्शन शो कर रहा है, हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक किया हूँ तो हमें यहाँ पे देखें रिपोर्ट ए प्रॉब्लम यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ रिपोर्ट प्रॉब्लम, अगर ये नीचे देखें शेक वाला ऑप्शन ऑन है तो आपको ऑफ कर देना है, फिर यहाँ रिपोर्ट प्रॉब्लम यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखें प्रोसेसिंग चलेगा, हमें वेट करना है और यहाँ पे ये ऑप्शन आ गए, इंक्लूड करना चाहिए इंक्लूड कर सकते हैं, फिर यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, हमें नीचे आना है और नीचे आना है और यहाँ पे सेटिंग्स, यहाँ सेटिंग्स वाले पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे ये आ गए दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गए, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ऐड करना चाहें तो जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको पहले आप कैप्चर कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट को ऐड कर सकते हैं, अपलोड वाले पे क्लिक करना है, स्क्रीनशॉट को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है वो दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो पेस्ट कर दिया हूँ, इनेबल द मोबाइल ईमेल रिमूव ऑप्शन इनेबल। दोस्तों, आपको यहाँ पे इतना लिख देना है, इतना लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर देना है। दोस्तों, यहाँ देखें फर्स्ट ऑप्शन ये हो गए, दूसरा ऑप्शन आपको क्या फॉलो करना है वो बता देता हूँ। तो इसके लिए यहाँ हमें हेल्प सेंटर यहाँ पे क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पे ये ऑप्शन ओपन हो गए हैं, फिर हमें यहाँ अकाउंट सेटिंग यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों, जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और यहाँ पे आपको कमेंट कर देना है फेसबुक, इतना आपको यहाँ पे कर देना है। फिर जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ एडजस्ट योर अकाउंट सेटिंग आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे फिर ऐसा पेज ओपन होगा तो यहाँ पे ऑप्शन शो करा, हैक एंड फेक अकाउंट ऑन फेसबुक, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे फिर थोड़ा प्रोसेसिंग चलता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन शो करा, या हेल्प योर फ्रेंड रिकवर देयर हैक फेसबुक अकाउंट, हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ गेट स्टार्टेड यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ऑप्शन आ गए और यहाँ पे 3 ऑप्शन शो करें। तो हमें यहाँ समवन इलेज गेंड एक्सेस टू माई अकाउंट, हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे देखें 2 ऑप्शन शो करें, अगर आपका अकाउंट लॉगिन है तो आपको यस वाले पे क्लिक करना है, अगर आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन नहीं है तो आपको नो वाले पे क्लिक करना है। जैसे मेरा फेसबुक अकाउंट लॉगिन है तो यस वाले पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे ये ऑप्शन आ गए, फिर यहाँ जो देखें facebook.com है यहाँ पे क्लिक करना होगा। दूसरे से मेरे में आ गया है रिपोर्ट कम्प्रोमाइज अकाउंट और यहाँ माई अकाउंट इज कम्प्रोमाइज, ये आ गया है। अगर आप में यह रहा तो जिस तरह यहाँ पे बताया उसको फॉलो कर लेना है, अगर आप में यह कम्प्रोमाइज का ऑप्शन नहीं आ रहा तो यहाँ पे आपको और ऑप्शन आते हैं, फिर वहाँ पे क्लिक करना है, जैसे जैसे बताया जाएगा आपको फॉलो करना है। फिर यहाँ पे आपको देखिए ईमेल और मोबाइल नंबर डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, फिर यहाँ से आप लोग डिलीट कर सकते हैं। जैसे मेरे में यह रहा तो मुझे इसी हिसाब से फॉलो करना है, अगर आप में दूसरा ऑप्शन आए जो ऑप्शन तक आता है आपको वहाँ तक जाना है, अगर आप में वो ऑप्शन आ जाता है डिलीट वाला तो वहाँ तक आपको जाना है, फिर उसके जरिए आप लोग अपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को डिलीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन तो वो हो गए, जैसे आप लोग रिपोर्ट कर देंगे तो आपको ऑप्शन इनेबल हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोग डायरेक्ट यहाँ से आप लोग अपने मोबाइल और ईमेल को डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह आप लोग बहुत आसानी से फेसबुक जो आपकी प्रॉब्लम आ रही थी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और फेसबुक से आप लोग अपने मोबाइल नंबर को डिलीट कर सकते हैं।